खदान उपक्षेत्र द्वारा विकोली के स्टेडियम में राष्ट्रीय कोयला श्रमिक सभा का त्रिवार्षिक अधिवेशन तथा स्नेह सम्मेलन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कोयला श्रमिक संघ के समूचे देश भर से केंद्रीय और राज्यों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ साथ सभी क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने शामिल होकर सामने क्षेत्र द्वारा आयोजित इस आयोजन को सफल बनाया। सर्वप्रथम इस अधिवेशन के अध्यक्ष कोयला श्रमिक सभा के राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू, हिंद मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सीए राजा श्रीधर, हिंद खान मजदूर संघ के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष नाथलाल पांडे, केंद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड सदस्य शिव कुमार यादव, मुकेश गालब, चंपा वर्मा अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, संजय वाड़वकर महासचिव, महेंद्र वर्मा, सिद्धार्थ गौतम आदि के हस्ते दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन की विधिवत शुरुआत के तदउपरांत पहली बार सावनेर उपक्षेत्र पधारे राष्ट्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू का शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत कर अतिथि देवो भव का परिचय दिया। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू ने केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे श्रमिक एवं कामगार विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि इन कामगार विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध कर इसे कभी सफल नहीं होने देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार गोर गरीब किसान खेतीहर मजदूर श्रमिक कामगारों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और हमेशा ही पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के कार्य कर रही है, ऐसा खुलकर आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय श्रम सलाहकार बोर्ड के सदस्य शिव कुमार यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि कोयला श्रमिक सभा हमेशा ही श्रमिक और कामगारों के उत्थान हेतु कार्य करती आई है और भविष्य में भी करती रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार चाहे जितने कामगार विरोधी कानून लागू कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का सपना देखे, वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। इस देश की प्रगति में सबसे बड़ा किसी का योगदान होगा तो वो श्रमिक और कामगारों का है। इन्हें इनका हक दिलाने हेतु कोयला श्रमिक सभा हमेशा प्रयासरत रहेगी और मोदी सरकार के श्रमिक विरोधी हर कानून का हम पुरजोर विरोध करने की बात इस अवसर पर कही। इस त्रिवार्षिक अधिवेशन और स्नेह सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने हेतु सावनेर क्षेत्र के गुणवंत लांजेवार, सुरेश द्विवेदी, विकास झा, रवि सूर्यवंशी, निखिल झा, शिवशंकर चौरसिया आदि ने परिश्रम लिया। आयोजन का संचालन और आभार नागपुर क्षेत्र कल्याण समिति के सदस्य गुणवंत लांजेवार ने माना। पिछले कई सालों से लगातार हमारी सरकार के ऊपर दबाव है कि हमारे को ऐसे श्रम कानून चाहिए जिसके अंदर कोई भी हमारे पैसा कमाने में बाधा ना बने। ये पूंजीपतियों के दबाव में लाए, उनसे पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। वर्कर तो सिर्फ वोट डालता है, तो जो पैसा देता है उसने सरकार पर दबाव बनाया है कि हमारे को अगर आपने हमारी पूंजी को यूज़ करना है, देश का निर्माण करना चाहते हो, तो हम जो कहते हैं आप ऐसे कानून बनाइए। तो अब वो ऐसे कानून बना दिए हैं जिसमें हमारा जो श्रम है, जो हमारा वर्कर है, वो गुलाम हो जाएगा। तो ये इसको देश का मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, हमारे से सलाह होनी चाहिए थी, मालिकों से भी सलाह होनी चाहिए थी। त्रिपक्षीय वार्ता जो पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री ने बुलाई नहीं है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये उसमें मालिक भी रहते, हम भी रहते, सरकार भी रहती। अगर उसमें ये एजेंडा आता और उसमें बहस के बाद अगर कोई एक राय बनती तो मैं समझता हूँ देश के हित में होता हूँ। सावनेर से बीसीएन न्यूज़ के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।